हेलो दोस्तों, डिजिनेक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो रोज़ की तरह आज हम लोग जो जीएस टॉप 10 सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज करने वाले हैं सेट फोर को करने वाले हैं। तो अगर आप अपना अंदर जीएस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कौन सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा अगर आप जीएस को इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने अंदर। तो इस वीडियो में हम बता चुके हैं कि 7 सब्जेक्ट को का कंपाइल किया हुआ जो क्वेश्चन इसमें बताते हैं उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री, इन 7 सब्जेक्ट का क्वेश्चन को कंपाइल करके 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है और एक क्वेश्चन ऑफ द डे हैशटैग क्वेश्चन ऑफ द डे भी रहता है। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस सेट को स्टार्ट करने से पहले हम हैशटैग क्वेश्चन ऑफ द डे पिछला वीडियो का बताने चाह रहा है जो हम पिछले वीडियो में दिए थे। तो वो पिछला वीडियो का जो क्वेश्चन था वो क्या था, शब्द नॉकआउट किस खेल से संबंध है। ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी बॉक्सिंग बॉल। तो इसका जो सही आंसर है वो बॉक्सिंग यानी ऑप्शन डी मुक्केबाजी इसका सही उत्तर होगा। तो हम पिछले वीडियो का हैशटैग क्वेश्चन ऑफ द डे बता चुके हैं, अब हम सेट फोर को स्टार्ट करने वाले हैं। सेट फोर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी। ऑप्शन ए 1819, ऑप्शन बी 1835, ऑप्शन सी 1809, ऑप्शन डी 1817। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है 1835। लॉर्ड मैकाले ने एक ऐसा शिक्षा पद्धति बनाने का प्रस्तावित योजना बनाया था जिसमें वो चाहता था कि जितने भी भारतीय हो उसको ऐसा शिक्षा प्रदान करो जिससे वो रंग और रक्त से तो भारतीय हो लेकिन उसका प्रवृत्ति, विचार और बुद्धि अंग्रेज के अनुसार काम करे। तो उसका यही शिक्षा पद्धति था लॉर्ड मैकाले का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन वो रहा मोहम्मद गजनवी का दरबारी कवि कौन था। तो इसका ऑप्शन ए दिया अल बरूनी, ऑप्शन बी दिया है अल राजी, ऑप्शन सी अल फिरदौसी और ऑप्शन डी अल मुस्तफ़ा। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं जो पॉलिटी का है। इसमें क्या, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितने समितियों का गठन किया गया था। ऑप्शन दिया ए 13, बी 9, सी 17, डी 7। तो इसमें जो समितियों का डिवाइड किया गया था वो कार्य के अनुसार जो किया गया था वो किया गया था 10, और जो विचारों के विषय के अनुसार जो समिति को बनाया गया था उसमें बनाया गया था 17। तो वो यहाँ पे पूछ रहा है विषय के अनुसार, तो इसका आप सही उत्तर सी होगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे। ऑप्शन ए 389, ऑप्शन बी 411, ऑप्शन सी 289, ऑप्शन डी 487। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए 389। इसमें जो संविधान सभा में सदस्य का चुनाव होता था वो प्रति 10 लाख सदस्य में एक सदस्य को चुना जाता था, 10 लाख सदस्य में एक प्रतिनिधि को चुना जाना था, यही इसका प्रोसेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भूगोल का है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी त्रिपुरा। कौन कौन सा राज्य से होकर गुजरता है, तो ये जो गुजरता है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन देशों से होकर गुजरता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है।
भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन डी अहमदाबाद, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा ना, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश का नैनी जिसको बोलते हैं वो इलाहाबाद में ही है, वहीं से गुजरता है ये भारत की मानक समय रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हम लोग का किसका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार का कर नहीं है, यानी कौन सा जो भारत सरकार सेंट्रल टैक्स जो होता है वो नहीं है। तो आयकर, सीमा शुल्क, भू राजस्व निगम। तो इसका ऑप्शन देख लिए, तो आयकर जो होता है वो तो सेंट्रल टैक्स है, सीमा शुल्क भी भारत सरकार का है, भू राजस्व जो है वो राज्य सरकार का कर है। तो इसका सही आंसर सी होगा, और निगम कर भी सेंट्रल कर है, सेंट्रल टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं वो फिजिक्स का है। तो यहाँ पूछ रहा है क्या किलो वाट घंटा किसकी इकाई है, किलो वाट घंटा किसकी इकाई है। ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी आवेग, ऑप्शन डी बल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या है, ऑप्शन बी ऊर्जा। क्योंकि अगर सिर्फ किलो वाट पूछता तो वो शक्ति होता, लेकिन यह समय को लिया तो ऊर्जा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो केमिस्ट्री का है, पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है, रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है, कौन प्रभावित होता है। तो ऑप्शन दिया इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी उपयुक्त में सही। तो जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो बाहरी कक्षा में रोटेट करता है, घूमता है, तो और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों नाभिक में स्थिर रहता है, तो रिएक्शन में जो भाग लेता है वो कौन, इलेक्ट्रॉन ही ना रहता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हम लोग का बायोलॉजी का क्वेश्चन है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है। ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी क्रोमोसोम्स, ऑप्शन डी राइबोसोम्स। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी क्रोमोसोम, इसी में अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, और डीएनए में जो होता है वो जीन का परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन हम लोग 10 क्वेश्चन को यहाँ पे कर चुके हैं, और नेक्स्ट जो आने वाला है वो हम लोगों का हैशटैग क्वेश्चन ऑफ द डे आने वाला है। तो आज का हैशटैग क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है, बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है। ए बॉक्सिंग, बी गोल्फ, सी शूटिंग, डी कराटे। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय फ्रेंड्स।